वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट टेस्ट एक ऐसा मॉक जो आपके लिए होने वाला है बेस्ट बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस के साथ हम लोग एक बार फिर से कर रहे हैं एक बेस्ट टेस्ट को जो क्यों क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसके लिए आपको उस समय पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा उस प्रिपरेशन को आपको देखना है आज एग्जाम से पहले का एग्जाम है ये जो सिर्फ आपके लिए ठीक है और बहुत जरूरी क्वेश्चंस के साथ है ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके कंसेप्ट आपको ऐसे लगेंगे कि अरे ये मैं भूल गया था या भूल गई थी तो ऐसे क्वेश्चन लेके बैठे उस कंसेप्ट को वहां पर लिख ले लिखने से आपका दिमाग डबल वर्क करता है और अगर इतना पॉसिबल नहीं है कि अभी कंसेप्ट लिखे तो आप प्लीज एटलीस्ट क्वेश्चन के नंबर को तो नोट कर ले ताकि लेटर ऑन आप इस वीडियो को जब दोबारा देखें तो उस क्वेश्चन नंबर को प्रॉपरली देख कर रिवाइज कर ले ठीक है चलिए शुरू करते हैं बेस्ट टेस्ट को आज के सुपर मॉक को आपके सामने

प्रॉब्लम ये है इसका लैंग्वेज कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा टफ लग सकता है बाकी इसमें प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम क्या है फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है ये फिर से देख लीजिएगा राइट right में एक बार कि क्या सही है फिक्स प्रपोजिशन लिमिटेड टू है ना लिमिटेड टू सम पीपल इट इज लिमिटेड टू दिस इट इज लिमिटेड टू दैट लिमिटेड अपने साथ टू लेता है लिमिट अपने साथ टू लेता है यहाँ पर ऑफ देके प्रॉब्लम दिया गया तो ऑफ उड़ाएंगे टू लगाएंगे आंसर हमारा आ जाएगा करना इतना है बट उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है जो लोग इस चीज को मिस कर गए राइट right? तो क्वेश्चन नंबर पर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर टू पे हम लोग चल रहे हैं ठीक है ये रहा क्वेश्चन नंबर टू पहले पढ़िए और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट लेवल ऑफ इनकम इन इक्वालिटी इन डिकेट हम विटनेस कर रहे हैं ठीक है है ख़राब का ना We are witnessing, हम हम कर रहे हैं हम सा, साक्षी बन रहे हैं किसके वर्स लेवल अब ध्यान से तो यहाँ पर द लिखा हुआ है वर्स लेवल या तो बैड लेवल हो है ना वैसे भी देखो बैड जो होता है हमारा इसका कंपरेटिव डिग्री वर्स होता है और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है और द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है इसके साथ और इसके साथ नहीं लगता इसके साथ तब भी लगता है जब ऑफ द ट्रू आता है 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 ना तब लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर वर्स्ट 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 की जगह आएगा द लेवल ऑफ ठीक है टू क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए थ्री क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है पढ़िए उसके बाद आंसर करिए इज समथिंग स्पेशल अबाउट लाइफ कुछ तो स्पेशल है लाइफ के बारे में

स्पेशल अबाउट आई अबाउट यू हैव समथिंग स्पेशल अबाउट इट तो अबाउट लेता है ठीक है।, The closer one looks, अब कोई closer देखता है किसी की तरफ देखता है तो वहां पर एड लगाता है एट दीज पर इन परफॉर्मेंस जितना क्लोजर कोई व्यक्ति ही तो right नजर आते हैं ये बोल रहे हैं ठीके? तो फिक्स प्रेपोजिशन का राइट right आंसर हमारा आ गया है अब ठीक है थ्री नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा फोर नंबर पे हम लोग चल देंगे ये रहा फोर नंबर क्वेश्चन आपके सामने ठीक है अलबेट कि आप इसको एक बार पढ़ें और फिर आप अपनी तरफ से आंसर करें देन आई विल आंसर यू राइट देख लो आराम से बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है वही फंसेगा जिसको कंसेप्ट का रिविजन नहीं किया जिसने ठीक है पढ़ लेते हैं एक बार ही वुड नॉट लेट एनी बडी टू ड्राइव हिज न्यू कार ही वुड नॉट वुड नॉट हमारा क्या है वुड हमारा मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट आता है लेकिन इनके बीच में एडवर्ब आ सकता है तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट लग गया मॉडल प्लस था जो लग गया let let हमारा वर होता है जो अपने साथ लेता है और जहां पर नाउन खुद नहीं आता वहां पे प्रोनाउन आ जाता है और ये हमारा क्या है इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह में आ सकता है दिस इज ऑल्सो करेक्ट टू ड्राइव ड्राइव नहीं करने देगा किसी भी अपनी न्यू कार को किसी को भी ड्राइव

पढ़ लिया हमने तो no तो चलो no कर कर देते हैं अगर है 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 ये रहा ठीक अब करते करते आपको याद आएगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा सकते क्या क्योंकि एक एक हमारा हमारा लिखा हुआ और पॉजिटिव वर्ब होने के कारण positive verb, कोई भी वर्ब पॉजिटिव का बच जाता है जब इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर एक और वर्ब दिखाई दे जाए जैसे कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट रहा है तो ये वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनेटिव होगा लेट कॉजिटिव प्लस कॉजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में आएगा इसका सेंस क्या होता है अलाउ करना He would not allow anyone, जो कारण बनते हैं वो अलाउ नहीं करेगा किसी को भी ड्राइव करने का तो एक्शन करने का हो रहा है तो वो हमें पॉजिटिव से मिल रहा है इसलिए he would not allow anyone to drive की जगह ड्राइव इस जगह पे ड्राइविंग दिया जा सकता था ड्रिविन दिया जा सकता था पर सब कुछ गलत होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्क फर्स्ट यानी कि बेयर फर्स्ट ठीक है इसको बोलेंगे राइट राइट आंसर आंसर पे बेयर होगा टू हटाएंगे हमारा आ जाएगा इट इज बी ठीक है दिखने में नो no एरर क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन पे नो no एरर आता है अब तो ऐसा लगता है नो no एरर आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ है और हो सकता है कोई गड़बड़ ना हो तो नो no एरर लगा दे ठीक है फोर नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है फाइव नंबर पे चल देते हैं अब रीड करिए उसके बाद हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे ठीक है पूरा पढ़ लीजिए इसको फिर बढ़ेंगे आगे इफ शी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम अगर वो अभी जाती है अगर ये प्रेजेंट में होता तो अगर वो अभी लीव इफ शी लीव नाउ शी विल रीच द स्टेशन इन टाइम हो जाता पर यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है है ना वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसका मतलब क्या है

और वू है और कोई चीज ऑन टाइम बिल्कुल सही समय पर के लिए आता है सब कुछ सही है तो हमारा नो एरर यहाँ पर राइट right आंसर होगा सब कुछ सही है नो नो एरर इज द राइट आंसर अगले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम लोग uh, no ये ये रहा नंबर आपका वाला पार्ट है इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है फर्स्ट फाइव क्वेश्चन थे कॉमन एरर के जो हो गए हैं अब हम लोग इम्प्रूवमेंट पे चल रहे हैं ठीक है इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन आपके सामने एक बार आप अपने आप से पढ़िए फिर मैं आपको इसको बताती हूँ ठीक है एल्बाइट बहुत आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है देखो वी रियली नीड टू लुक एट इंटरवेंशन हमें बहुत जरूरी है देखना इंटरवेंशन की तरफ अब इंटरवेंशन यहाँ पर लिख दिया गया है इंटरवेंशन जो है क्या ये ह्यूमन है नहीं है ये नॉन ह्यूमन है नॉन ह्यूमन प्लस हु नहीं आता है तो हु गलत हो गया ठीक है सबसे पहले हम हु को कट करेंगे राइट हुम भी नहीं आएगा ठीक है क्योंकि हुम के साथ तो चाहिए सीधे सीधे है ये कट गया है, that और दैट हो गया दैट तो आएगा अब इंटरवेंशन जो है हमारा एक से ज्यादा है नॉन ह्यूमन है और प्लुरल है एक से ज्यादा है प्लुरल है प्लुरल होगा तो वर्ब कैसा आना चाहिए प्लुरल आना चाहिए

करने लगे लग, लग जाओगे आप वन ऑफ आ रहा है one of the के साथ अगर नाउन आएगा तो हमेशा सुपोलेटिव एब्जेक्टिव के साथ आएगा नाउन हमेशा सुपोलेटिव डिग्री के साथ आएगा है ना तो मोर डिफिकल्ट की जगह मोस्ट डिफिकल्ट और नाउन अगर आएगा तो इट शुड भी प्लूरल दोनों चीजें हमें याद रखनी है और अगर वह आगे ये सही है ये गलत है। ये, है ये सही है ये गलत है इसमें ये भी सही है ये भी सही है तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा नो no सबेशन तो इसको वैसे भी गलत है सेवन क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं अगले क्वेश्चन पे चलेंगे नंबर एट पे फॉरकास्ट प्रोडिकॉरकास्ट प्रिडिकुलाई करता है कि ये करता है है, थोड़ा बारिश होगा. अब अनुमान लगा रहे हो. को करता है निश्चितता को शो करता है इसलिए विल नहीं आएगा क्योंकि प्रिडिक्स कर रहा है तो सबसे पहले इसको हम कट करेंगे ठीक है? हमें क्या बताता है मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताते हो तो मॉरल ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि बारिश होगी संभावना बताई जा रही है अजम्पशन लगाए जा रहे हैं मस्ट He must be at home. 80% परसेंट चांसेस है तो वो घर पे है मस्त लगाएंगे 100% परसेंट यानी श्योर सर्टन तो फिर हम लोग बिल लगाएंगे पर यहाँ पे 100% परसेंट सर्टन थोड़ा प्रिडिक्शन है प्रिडिक्शन है, तो फेल भी हो सकता है इसलिए बिल हटाओगे और मस्ट लगाओगे वुड क्यों नहीं आएगा हैबिट तो को बताने के लिए यूज किया जाता है तो राइट आंसर देर विल बी अटिल रेन थोड़ी बारिश तो होगी मैनी भी गलत है देखो इस तरीके से देखोगे तो भी गलत हो जाएगा मैनी और रेन प्यू और रेन लिटिल ना के बराबर अ लिटिल थोड़ी तो बारिश होगी अगर ये लिटिल भी होता तो चलता पर इसके कारण ही रॉन्ग हुआ ये ध्यान रखिएगा ये इसके कारण रॉन्ग नहीं हुआ लिटिल रेन मतलब कोई बारिश नहीं होगी ये भी प्रोटेक्शन हो सकता है है ना मस्ट के साथ आना चाहिए प्रोटेक्शन इसलिए रॉन्ग हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये रहा ठीक पढ़िए एक बार फिर हम लोग उसको देखते हैं पूरा एकदम कोशिश करिए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी टफ नहीं है कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको आपने आज तक नहीं किया होगा बातें बातें बाते करने बिल्कुल नहीं फोकस चैट्स बंद कर रखी मैंने ठीक है एवरी ईयर फैमिली गोज हर साल फैमिली जाती है कहां पे? देखो गो जो है अपने साथ गो

मीटिंग गलत बोल दिया मैंने यहां पे कोई बात नहीं चलो चेंज कर देते गो फॉर गो फॉर पर्पज बताता है ना आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग शॉपिंग लाइक दैट राइट और गो ऑन गो ऑन अ ट्रिप गो ऑन अ टूअर गो ऑन अ वेशन लाइक दैट हमेशा यूज करते हैं तो गो ऑन आता है जब आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं पिलग्रिम पे इसी तरीके से हॉलीडे पे जा रहे हैं हॉलीडे ट्रिप टूर लाइक दैट ठीक है तो यहाँ पर क्या है एवरी ईयर द फैमिली गोज फॉर अ पिलग्रिम नहीं पिलग्रिम नहीं पिलग्रिम यानी तो तीर्थ होता है

हॉर्स का जो फीमेल होता है उसको मेयर बोला जाता है द मेयर हर्ट इट्स हुब्स उसने अपने हुब्स पे पैरों का जो हॉर्स का जो पार्ट होता है नेल वाला हुब्स कहा जाता है उस पर उसने हर्ट कर दिया चोट लग गई है ना व्हेन रनिंग टू द फॉरेस्ट फॉरेस्ट में भागते समय या फॉरेस्ट से गुजरते हुए उसको लग गई हुब्स पे है ना अब द मेयर हर्ट इट्स हुब्स यहाँ पे तो कुछ करना नहीं वेन वेन के साथ क्या आता है वेन प्लस वर्ब टू अगर पास्ट है तो वैन प्लस वर्ब फर्स्ट अगर प्रेजेंट है तो ठीक है हमेशा ध्यान रखना वैन के साथ आईएनजी नहीं लगता है दूसरे वाले क्लॉज में आईएनजी हो सकता है पर वैन वाले में नहीं होता है तो द मेयर हर्ड इट्स हूप्स व्हेन रनिंग रन करते हुए व्हेन रनिंग गलत भी हो गया विद रनिंग नहीं व्हाइल के साथ आईएनजी आ सकता है आई वाज टॉकिंग ऑन फोन वाइल्ड राइडिंग अब आज तो उस समय उस समय करते हुए तो आई एनजी लेता है ठीक है और फॉरेस्ट के लिए थ्रू आता है ये से होके जब वो uh, जंगल से होके गुजर रहा था ये गुजर रही थी तब उसके पैर में उसने चोट लगा ली तो राइट आंसर वाइल्ड होगा वाइल्ड रनिंग थ्रू अच्छे स्मार्ट इंटेलिजेंट वाले क्वेश्चन भी हैं और आप लोगों के लिए क्योंकि इस समय आप फुली प्रिपेयर है तो आपको टेस्ट करने के लिए अच्छे क्वेश्चन चाहिए ये रहा नेक्स्ट वन ठीक है

क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अर्जेंट है तो यहाँ पे बिकॉज एज सिंस ये आ सकता है बिकॉज एज सिंस ये आ सकता है फॉर नहीं आएगा सॉरी फॉर भी आ सकता है ये सब क्योंकि का आंसर देते हैं तो क्योंकि आएगा क्यों क्योंकि ये अर्जेंट है देयर क्या होता है देयर होता है इसलिए ठीक है तो राइट right आंसर हमारा क्या हो गया राइट right आंसर हमारा हो गया ऑन द इशू ऑफ द बिकॉज ठीक है अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा रही हूं स्क्रीन पर आपके आ चुका है The flat dash is nice. Flat nice है। flat है, है? अब पढ़ना ये तो आ नहीं सकता के 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 लिए 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 आएगा आएगा इसके तीनों human के लिए आता ठीक और हमारे सामने क्या है flat है। नॉन ह्यूमन है नॉन ह्यूमन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं इट्स तो ये इसका राइट right आंसर होगा इट्स सेल्फ बाकी ये तीनों नहीं होंगे तो आसान सा क्वेश्चन है कोई डिफिकल्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये रहा दस लेसन इस लेसन के खत्म होने तक यू डैश बी एबल टू आप एबल हो जाओगे वाले में करा था जब ये बोल रहा है खत्म होगा तब तो आप बिल्कुल हो जाओगे एकदम रेडी हो जाओगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं सोटानिटी आएगा एंड lesson, lesson होने तक आप तीन चाहोगे मिल आएगा इसमें राइट आंसर ठीक है अभी अभी पीछे कुछ एक क्वेश्चन करा था इसलिए थर्टीन यहाँ पे खत्म होता है फोर्टीन पे आएंगे हम लोग अब अगला क्वेश्चन पढ़िए जब आप पूरा एक्शन देख रहे हो कंटिन्यूस एक्शन देख रहे हो है ना कोई भी एक्शन ऐसा होता जैसे तुरंत से कोई बंदा गिरा तो कंटिन्यूस एक्शन पूरा ही देखो गिरते हुए किसी ने कोई चीज उठाई चुराई है ना बैग में डाली या किसी ने कुछ आ, गलत किसी के साथ किया एक सेकंड वाला जो काम होता है तो वो वाला एक्शन आप पूरा देखते हो कंटिन्यूस अगर आप पूरा देखते हो तो आप लिखोगे आईएनजी वाला और अगर आपने किसी को ऐसे कैजुअली जैसे मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था तो तुम जा रहे थे बस ऐसे ही देख लिया मैंने यहाँ से वहां तक पूरा नहीं की कि पांच किलोमीटर का सफर कर रहे हो और पूरा पांच किलोमीटर मैंने आपको देखा तब तो हम आईएनजी लगाएंगे नहीं ऐसा नहीं होता जनरली तो जनरली के लिए हम लोग यहाँ पे ओपन ठीक है

आराम से कर सकते हो आप शी लेफ्ट डैश मुंबई उसने लेफ्ट करा मुंबई अब लेफ्ट अपने साथ क्या लेता है फिक्स लेता है शी लेफ्ट फॉर मुंबई लेफ्ट फॉर मुंबई ये रहा और किसी में है नहीं तो यही आंसर होगा ट्रेन के लिए बाय आता है बाय द राजधानी एक्सप्रेस अगला क्वेश्चन ये रहा रेस्ट्रिक्टेड का आपको एंटरन करना अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी को तो हम उसको क्या कर देते हैं बैन कर देते हैं रेफरेन कर देते हैं बार कर देते हैं

ब्रेक साइकिल वाला है ये ठीक है ब्रोच नहीं प्लॉन्ट नहीं ब्रीच इज द राइट वन ठीक है चलिए अगले वाले में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपको दिखाती हूं ये नाम क्वेश्चन नंबर एटीन पढ़िए आंसर करिए आई वेट फॉर योर आंसर Lyrical है हमारा वर्ड का करना जैसा really है, है, उसको बोला जाता है तो आसान क्वेश्चन है इसमें मुझे लगता नहीं है टाइम देने की आपको जरूरत थी राइट आंसर अगला वर्ड एंटोनिम है कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज का एंटोनिम कॉम्प्रोमाइज क्या होता है अग्रीमेंट डिस्टर्बेंस ट्रीटी या डिसेंट डिसेंट एक असंट। असंट कर कर होता है लेना यानी बात को मान लेना डिस्टर्बेंस नहीं होगा डिसेंट इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट वन एंटोनिम पूछा है डाई का डाय करना क्या होता है कलर्स को कलर को डाई कर दिया ब्लेंड कर दिया मिक्स कर दिया ठीक है वॉश कर दिया यानी वो क्या हो गया धुल गया ठीक है डाई करना नहीं कलर करना और वॉश करना है नहीं मिटाना ठीक है तो ऑपोजिट हो जाएगा राइट आंसर वॉश अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है तो इसमें टाइम नहीं दे रही हूँ नेक्स्ट आपका है कंप्लायंट कंप्लायंट कौन होता है रिजोल्यूट ऑब्ड्यूरेट प्रोटेस्टर या सबमिसिव जल्दी बताइए कंप्लायंट हमने पढ़ा हुआ है

जो अपने आपको सलेंडर कर दे प्रोटेस्टर अगेंस्ट जाने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइड ओवर टू ओवरकम टू डिसीव टू चेंज साइड या फिर टू जम्प ओवर टाइड ओवर क्या होता है किसी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम में परिस्थिति में सिचुएशन में किसी के साथ होना या डिफिकल्ट परेशानी से निकल जाना ओवरकम कर लेना है ना तो वैसे तो डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आता है ठीक है तो ये होगा ओवरकम आ डिफिकल्ट सिचुएशन और टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन टाइड ओवर ठीक है नेक्स्ट through thick and thin क्या होता है अगर आप किसी के साथ थिक एंड थिन में होते हो इसका मतलब क्या होता है किसी सारी मुसीबत परेशानी समस्या में आप उसके साथ हो अनफेयर मींस अंडर एक्सट्रीम प्रेशर अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस किसी भी परिस्थितियों में आपने उसको अकेला नहीं छोड़ा है ठीक है नेक्स्ट कॉल ऑन अगर हम कॉल ऑन करते हैं तो अनाउंस नहीं करते विजिट करते हैं जाते हैं किसी से मिलने राइट विजिट करना नेक्स्ट क्वेश्चन लुक आउट ये आपको ये लुक आउट है उनका लुक आउट है वो होता है पर्सपेक्टिव पर ये वर्ब है फ्रेजल वर्ब है वो नाउन होता है लुक आउट करना यानी क्या होता है टेक केयर करना ठीक है सकमस्पेक्ट करना यानी क्या हो गया यानी हो गया टू बी केयरफुल केयरफुल होना इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अब मुझे साइड में होना पड़ेगा क्योंकि पैरा जंबल है आप लोगों को पूरा देखना होगा उसके बाद आप आंसर करोगे ठीक है ए बी सी ऑप्शन आपके स्टार्टिंग आप सबसे पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग देखिए किससे प्रपोजिशन और रिलेटिव प्रोनाउन जो मेन वर्ड है ना उनका सबका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है ये क्या हमें इंश्योर करता है दिस इज टाइटल किसी मूवी का किसी नॉवल के नाम का किसी स्टोरी के नाम का हमेशा ये कैप्स में होता है तो द टाइगर हु केम टू टी इज जूडिट केयर्स बेस्ट सेलिंग बुक हैविंग सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज 5 मिलियन कॉपीज इसकी बिक चुकी है ठीक है He ends up, he ends up. उन्होंने इसको end कैसे किया? पर शुरू कैसे किया ये नहीं पता यानी शुरुआत B से हो सकती है पर C से शुरुआत नहीं होगी A से शुरुआत नहीं होगी अब दोनों हमें पता है B से स्टार्ट होगा द स्टोरी इज अबाउट अ टाइगर हु पॉप्स बाय फोर्टी एक स्टोरी जो है ये टाइगर के बारे में राइट और इसी टाइगर के बारे में यहाँ पर बिग कैट्स को कहा गया तो बी से स्टार्ट होगा डी इसका पैर बनेगा राइट बी डी का पैर यहाँ पर आ गया है बी सी का पैर नहीं है सो दिस इज रॉन्ग राइट आंसर इज़ दिस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से चल रहे हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है

रिस्क रिस्क ऑफ स्किन 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 सॉरी कैंसर कैंसर का जो uh, होता है वो लोअर हो जाता है ये वाइटामिन के इंटेक्स अगर आप वाइटामिन इंटेक करने से कैंसर का, का कर करता है कि हमें डाइट लेना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल खुद सारा लेना चाहिए तो बी से स्टार्टिंग हो रहा है ठीक है

वो वाला जो स्प्रे है यहाँ से भी शुरुआत नहीं होगा डी से स्टार्टिंग होगा इसमें डी नहीं है इसमें डी नहीं है इसमें डी नहीं है ये तो बहुत आसान था ए बी सी से शुरू नहीं होगा ठीक है तो राइट आंसर डी बी ए सी आसान क्वेश्चन था इसमें मैंने बहुत टाइम नहीं दिया है अगला क्वेश्चन ट्वेंटी एट हो गया ट्वेंटी नाइन इसको ऑप्शंस पहले चेक कर लीजिए ए बी या फिर सी डी से स्टार्टिंग नहीं होगा देखिए ए में क्या लिखा हुआ है ए में लिखा हुआ देरफॉर इसलिए यहां से स्टार्टिंग नहीं होगा ये फाइनल आता है ये मोस्ट लाइकली लास्ट में आता है पर यहां पर लास्ट में भी नहीं आएगा देख पा रहे हैं ए लास्ट में नहीं है कार्डियक अरेस्ट इज वेल नोन नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट्स किसी भी कार्डियक अरेस्ट को जैसा कि सबको पता है फोर मिनट्स के अंदर रिवाइवल चाहिए ठीक है कार्डियक अरेस्ट को ठीक है बट इवन इन दिल्ली यहां से भी स्टार्ट नहीं होगा डी से हो ही नहीं रहा तो हमें अभी पता नहीं चला सी बढ़ लेते हैं अ क्वेश्चन ऑफ अनआक्स बाय सिनेंजिया इज वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी क्या हमें इमरजेंसी में भी टाइमली हेल्थ कभी मिल पाएगी? ये क्वेश्चन हम जनरली पूछते हैं ठीक है बट इवन इन दिल्ली द कैपिटल सिटी अ पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी केयर ये दोनों का मिल रहा है ना क्या हमें कभी टाइमली केयर मिलेगी इवन इन दिल्ली जो कैपिटल सिटी वहां पे भी पेशेंट को नहीं मिलता इमरजेंसी केयर तो सीडी का पेयर है यहाँ पे बन भी रहा है सीडी का पेयर सीडी का पेयर यहां पर नहीं है सीडी का पैर यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर ए आ रहा है हो सकता है ऐसा हो ठीक है देयर फॉर एन एडवांस एंबुलेंस नीड्स टू रीच द पेशेंट इमो एडवांस एम्बुलेंस पहुंचना जी किस लिए क्योंकि कार्डियक जैसे अरेस्ट में भी चार मिनट्स में ही रिवाइवल चाहिए होता है तो बी ए आएगा सीडी ए बी या सीडी बी ए अब हमें नहीं समझ में आ रहा अभी सीडी तो आ रहा है क्योंकि डेली में भी, भी नहीं है इसलिए ऐसा होना चाहिए सी से स्टार्ट करते हैं हम और फिर अगर हम बी को रखते हैं सी बी उसके बाद हम ए डी को रखते हैं तो क्या ये आंसर हो पाएगा हाँ सी बी ए डी हो सकता है इसका राइट आंसर आप देखते हैं एक बार है ना चेंज करना पड़ेगा सी पढ़ा ए क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड बाय अस इन इंडिया इज वेदर विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन पढ़ा हमने सी से स्टार्टिंग हो गया ठीक है अब हमने पढ़ते हैं बी

फर्स्ट सेंटेंस से देयरफोर से स्टार्ट हो रहा है ए बी या सी डी से यहाँ पे भी स्टार्ट नहीं होगा है ना तो देयरफोर आई फर्मली बिलीव ये नहीं होगा आई बिलीव आई फर्मली बिलीव दे आर अ डिजेक्टेड लॉट इट इज रियली नीडेड फॉर द यंगर जनरेशन ये बहुत ज्यादा जरूरत है यंगर जनरेशन के लिए क्या नहीं पता दे आर अ डिजेक्टेड लॉट वो डिजेक्टेड लॉट है सैड है काफी सारा जैसे कंट्री को happiness curriculum की आवश्यकता है। क्यों? यंगर जनरेशन यंगर जनरेशन के लिए जरूरी है क्या की बात हो रही होगी। बीडी का पैर बन सकता है अब पढ़ेंगे यंगर जनरेशन यंगर जनरेशन के लिए यहां पर दे आर डिजेक्टेड लॉट वो डिजेक्टेड लॉट है

होगा इसलिए आई मुझे लगता है कि इस करिकुलम को स्कूल्स में लगा देना चाहिए ए हमारा लास्ट में आएगा दिया हुआ मैंने जैसा कि कहा था कि therefore वाला जनरली लास्ट में आता है वो यहां पे अप्लाई हो रहा है पिछले वाले में नहीं हुआ था ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हमारा यहाँ पर आ गया है पूरा का पूरा क्या आ गया है क्लोजेस्ट तो so, मैं बिल्कुल साइड में हूँ मैं वेट करूंगी कि आप लोग उसको टाइमली आंसर करें ठीक है पैकिंग इज वन ऑफ दो चोर्स चोर्स क्या होते हैं हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं उसको घर के घरेलू काम तो कहा जाता है दो चोर्स दैट सीम्स डैश सिंपल जो बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है धोखेबाजी से क्लेवरली स्पेशली या ठीक है तीन वर्ड्स हैं जो काफी मिलते जुलते हैं और लास्ट में स्पेशली लिखावर पैकिंग इज वन ऑफ दोस्ट चोर्स पैकिंग उन चोर्स में से एक है दैट सीम्स डैश जो कि स्पेशली इजी लगता है deceptively easy लगता है, डिसेप्टिवली लग रहा है सही हो, cleverly तो नहीं, deceitfully भी, धोखे से लगता लगता है, deceptively, easy लगता है है पर ये कोई जिसमें ज़्यादातर ह्यूमैनिटी में डैश होता है क्या होता है थर्टी टू ना ये बढ़ना ज्यादातर लोगों में होता है डोंट है

इलिमिनेटिंग नहीं आएगा बी डार्जिलिंग बी डार्जिलिंग दिमाग को उलझा के रख देने वाला एरे ऑफ स्टफ घूमते, खूब सारा सामान लेके घूमते हैं सीजनल ट्रेवल्स भी, ये बोला जा रहा है तो माइंड ब्लॉगिंग इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन ब्रेकिंग हैवी bags क्या हो सकते हैं? बैक ब्रेकिंग बैक को तोड़ने वाले हो सकते हैं. विल विल बी बैक ब्रेकिंग Must not be back breaking. Must not opposite रुके. Can be या should be. Should moral बताता है. Will definition बताता है. Definition बताता है. क्या आएगा? Can be हो सकते हैं. Back breaking हो and frustrating और irritating भी हो सकते हैं. Packing is a test of planning skills. Packing dash is a test. Packing complicatedly, I'm sorry. पैकिंग डैश इज अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एंड इज इंडिकेटिव ऑफ वंस एबिलिटी आपकी एबिलिटी का इंडिकेशन है आपकी प्लानिंग स्किल्स का टेस्ट है पैकिंग तो पैकिंग कॉम्प्लिकेटेडली इट टेस्ट होगा पैकिंग डेलिब्रेटली जानबूझ के रैंडमली स्ट्रेटजिकली स्ट्रेटजिकली क्या होता है प्लानिंग के साथ अगर आप पैकिंग करोगे ना तो वो क्या होता है पैकिंग uh, स्ट्रेटजिकली uh, अगर आपने करा तो वो आपकी प्लानिंग कितना अच्छा प्लान कर पाते हो, उसका स्किल का टेस्ट है और इंडिकेटिव है टू ऑफ वंस एबिलिटी किसी की भी एबिलिटी का इंडिकेशन है टू डैश वंस लाइफ क्या आप अपने लाइफ को कैसे डैश कर सकते हो डिटेक्ट ऑर्गेनाइज रिफ्लेक्ट या एंटर देखो पैकिंग

38 हमारा खत्म नेक्स्ट पे चलते हैं जो होता है है वो वो नहीं नहीं करता क्या क्या रहता इस में पता इसकी जरूरत पड़ जाए हम लोग पैकिंग क्यों ज्यादा करते हैं क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए तो वो वाले कैटेगरी में वो नहीं होता है The singular reason junk lands in suitcase. Suitcase का में junk. यानी बेफायदे का एक्स्ट्रा सामान रखने का जो सिंगुलर रीजन है वो ये है आप इस कैटेगरी में अगर आप लैंड करते हो अगर आप इस कैटेगरी के लोग हो तो आप अपने बैग को भरोगे इफ आई नीड इट क्या पता इसकी जरूरत जरूरत पड़ पड़ जाए क्या पता उसकी पर जाए ऐसे करके हम बैग को फुल कर देते हैं उसी को बोल रहा है कि अगर आप इन मोस्ट यानी ज्यादातर सूटकेस मोस्टर सुटकेसूकेस दस सुटकेस मैनी सूटकेस ठीक है नहीं 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 सूटकेसेस होना चाहिए ना मोस्ट मोस्टली आई एम सॉरी सिंगुलर रीजन जंक लैड्स इन द सूटकेस होगा द सूटकेस में सबसे ज्यादा सामान भरने का जो ओनली रीजन है वो ये है ठीक है तो यहाँ पर हमारे फोर्टी क्वेश्चंस खत्म होते हैं अगले क्वेश्चन में हम आ गए हैं ये रहा आई थिंक क्लोज टेस्ट अच्छा हुआ होगा आप लोगों का अच्छा क्लोज टेस्ट था

दीपक स्लिप हो गया जब वो ट्राई कर रहा था स्केट करने का ठीक है दीपक स्लिप्ड हो गया है ये टेंस हमारा v2 है जब हम इसको चेंज करेंगे तो परफेक्ट में चेंज करेंगे ना पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे तो हमें क्या ढूंढना है हमें स्लिप नहीं ढूंढना हैड हैड प्लस वर्ब हैड प्लस है राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और ये जो आगे वाला है व्हेन ही वाज ट्राइंग इसमें चेंज नहीं करा जाता क्यों उस समय का है उस समय गिर गया था जब वो स्केट करने की कोशिश कर रहा था तो इसको हम चेंज नहीं करते ठीक तो कर है, कर है। यहाँ पर क्या आएगा टू लगेगा और नॉट अगर आ गया तो नॉट को हम यहाँ पे या तो हम नॉट टू लगाएंगे या फिर यहाँ पर हम फॉरवर्ड लिख देंगे फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट नहीं आता रिक्वेस्टेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर

तो इसी के साथ हमारा ये सेशन ओवर हो गया, गया। सारे के सारे रैंडम क्वेश्चंस जो हैं हमारे ओवर हो गए और टेस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा था तो मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर करिए और लास्ट मोमेंट पे अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना प्लीज जरूर से बताइएगा ठीक है चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं फिर से मिलेंगे अगले सेशन में तब तक लिए टेक केयर एग्जाम अगर आपके आने वाले दिनों में तो आप सभी को ऑल द बेस्ट लगे रहिए जो अगर आपका आपको ये कंफ्यूजन है मैम लास्ट मोमेंट पे क्या करें वो करें जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है अभी भी कंफ्यूजन होना पहले उसकी प्रैक्टिस कर ले उसके बाद करें काम ठीक है चलिए अगले सेशन में फिर से मिलते हैं टेक केयर थैंक यू सो मच